नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। राहुल गांधी का एक बयान और तहलका मच गया। संसद सत्र में राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसा से जोड़ा और अपने लिए आफत बुरा ली। भले ही राहुल गांधी केवल बीजेपी को हिंसक बता रहे हों, लेकिन बीजेपी ने अपने बयानों से जनता तक ये बात पहुंचा दी है कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं, जिसके बाद राहुल गांधी हर जगह छाए हुए हैं। सड़कों पर उनका पुतला फूंका जा रहा है तो कहीं कांग्रेस कार्यक्रम में तोड़फोड़ मची है। इसके अलावा संसद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी के भाषण के अंश को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। अब इसके बाद ये सवाल तो लाजमी है कि लोकसभा में किसी भी नेता के भाषण के अंश किस आधार पर रिकॉर्ड या कार्यवाही से हटा दिए जाते हैं, क्या इसके कोई नियम होते हैं? क्योंकि अब विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि राहुल गांधी के भाषण के अंश को क्यों हटाया गया। तो चलिए देखिए ये रिपोर्ट। आमतौर पर लोकसभा में नेताओं के भाषण के रिकॉर्ड से आपत्तिजनक शब्दों, वाक्यों या भाषण के अंशों को हटाना एक सामान्य प्रक्रिया है और इसे निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता रहा है, लेकिन अक्सर इस पर विवाद भी उठता रहा है और कई बार विपक्षी नेताओं के भाषण के वो अंश मनमाने तरीके से हटा दिए जाते हैं अगर वो सत्ताधारी पार्टी को नागवार गुजरते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर नियम क्या है? तो आपको बता दें कि सांसदों को सदन के अंदर अपनी बात कहने की आजादी तो है, लेकिन कुछ भी कहने की आजादी नहीं है। इसमें अपमानजनक बातें, आपत्तिजनक शब्द, असंसदीय और गैर मर्यादित शब्द या बातें शामिल है। सांसदों का भाषण संसद के नियमों के अनुशासन, उनके सदस्यों की अच्छी समझ और स्पीकर द्वारा कार्यवाही के नियंत्रण के अधीन है। लिहाजा जब ये लगता है कि सांसदों के भाषण इस पैमाने पर खरे नहीं है तो उन्हें स्पीकर के संज्ञान मिलाकर उन्हें हटाने का काम किया जाता है। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 380 में कहा गया है, यदि अध्यक्ष की राय है कि वाद विवाद में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो अपमानजनक या अशिष्ट या असंसदीय या अशोभनीय है, तो अध्यक्ष अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आदेश दे सकते हैं कि ऐसे शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। नियम 381 कहता है, सदन की कार्यवाही का वो भाग है जो इस प्रकार हटाया गया है उसे तारांकन चिन्ह से चिन्हित किया जाएगा और कार्यवाही में निम्नानुसार एक व्याख्यात्मक फुटनोट डाला जाएगा, इसे अध्यक्ष के सामने लाया जाएगा और उनके आदेशानुसार हटाया जाएगा। अब बात करें राहुल के भाषण की, तो भाषण के कुछ अंशों, वाक्यों और शब्दों को संसद की मर्यादा के अनुसार सही नहीं माना गया, इसी वजह से उसे स्पीकर के आदेशानुसार कार्यवाही से हटा दिया गया। लेकिन विपक्ष ये मान रहा है कि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था, लेकिन ये सत्ता पक्ष के अनुकूल नहीं था, लिहाजा निकाल दिया गया। इसी वजह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने स्पीकर को कड़ा पत्र लिखते हुए विरोध जाहिर किया है। विरोध करना लाजमी है क्योंकि कार्यवाही के हटाए गए अंश संसद के अभिलेखों से गायब हो जाते हैं, मीडिया द्वारा उन पर रिपोर्ट नहीं की जा सकती है, भले ही कार्यवाही के लाइव प्रसारण के दौरान उन्हें सुना गया हो। अब देखा जाए तो फिलहाल राहुल गांधी के शब्दों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का पद काफी बड़ा होता है, उसे सम्मान देना चाहिए। उनके भाषण के अंशों को यूं नहीं काटा जा सकता, मगर कहा जा रहा है कि शायद राहुल के भाषण के अंश इसलिए काटे गए क्योंकि वो सत्ता पक्ष को चुभने वाले थे। पहले संसद में इससे भी ज्यादा चुभने वाली बातें विपक्षी नेताओं ने सत्ता पक्ष के लिए कही, लेकिन उन्हें कभी हटाया नहीं गया। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।